هذا الطوفان هو حدث غير عادي. इसराइल के साथ तनातनी के बीच हिजबुल्ला ने नए मुखिया का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 29 अक्टूबर को हिजबुल्ला की ओर से कहा गया है कि उसका नया चीफ नईम कासिम है। हिजबुल्ला की ओर से ये घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब उसने उत्तरी इसराइल पर थोड़ी देर पहले रॉकेट दागा, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। घायलों में एक शख्स गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। हिजबुल्ला ने बयान जारी करते हुए कहा कि नईम कासिम पैगंबर मोहम्मद के प्रमाणिक इस्लाम और हिजबुल्ला के मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 71 साल का नईम कासिम इसके पहले हिजबुल्ला के दूसरे नंबर के कमांडर थे। वो धार्मिक स्कॉलर्स में से एक हैं, जिन्होंने 1980 की शुरुआत में अब्बास अल मोसई, सुभी अल तुफैली और हसन नसरल्ला समेत इन समूहों की स्थापना की थी। इस महीने की शुरुआत में कासिम ने लेबनान में युद्ध विराम का आह्वान किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि हिजबुल्ला ने इसराइल में और भी ज्यादा भयानक हमले करने की अपनी रणनीति बदल दी है। बीते महीने सितंबर के अंत में बैरूत में इजरायली हमले में हसन नसरल्ला की मौत हो गई थी। उस समय इसराइल की ओर से हिजबुल्ला के कई बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया था। अब आपको बताते हैं कि नईम कासिम कौन है। हिजबुल्ला डॉट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के नबीतेही प्रांत के कफर किला गांव में हुआ था। कासिम हिजबुल्ला के मुख्य विचारकों में से एक है और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। कासिम ने 1970 में लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में विज्ञान ग्रेजुएशन किया था। साथ ही इस्लामी विद्वान आयातुल्ला मोहम्मद हुसैन फदला के अधीन अपने धार्मिक और धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाया। वो 1974 और 1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख थे और लेबनानी मुस्लिम छात्रों के संघ के संस्थापक सदस्य भी थे। नसरल्ला के मारे जाने के बाद से ही उसने हिजबुल्ला के साथियों को संगठित करना शुरू किया, इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए अपने लड़ाकों को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट दे रहा था। नईम कासिम इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। इस संगठन की स्थापना के समय भी नईम कासिम की भूमिका भी खास रही है। ऐसे में हिजबुल्ला के इस नए चीफ का इसराइल अब आगे क्या करती है, ये देखना होगा।